नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ जो कि रायपुर से सामने आ रही है। यूनिफाइड कमांड की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इसमें शामिल हुए हैं। बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी शामिल हुए हैं। डीजीपी अशोक, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफआईबी के उच्च अधिकारी शामिल हुए हैं। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े सभी अधिकारी भी मौजूद हैं इस बैठक में। और केंद्रीय एजेंसियों और छत्तीसगढ़ के पुलिस में समन्वय पर हो रही है इस पूरी बैठक में चर्चा। मॉनसून में नक्सल ऑपरेशन पर चर्चा हो रही है। बजट समेत अन्य सुविधाओं और संसाधनों और चुनौतियों पर हो रही है इसमें चर्चा। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि बैठक शुरू हो चुकी है। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। बजट समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे चर्चा हो रही है इस बैठक में। केंद्रीय एजेंसियों और छत्तीसगढ़ के पुलिस में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए इस पर चर्चा हो रही है। तो यूनिफाइड कमांड की बैठक शुरू हो चुकी है। रायपुर में ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इसमें शामिल हुए। डीजीपी अशोक, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के भी कई जवान इसमें प्रमुख उनके तैनात हैं। और बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी शामिल हुए हैं। डीजीपी अशोक, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफआईबी के उच्च अधिकारी इस बैठक में शामिल है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पे नक्सल ऑपरेशन से जुड़े सभी अधिकारी भी मौजूद है। जो यूनिफाइड कमांड की बैठक शुरू हो चुकी है और ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों और छत्तीसगढ़ के पुलिस के बीच में कैसे समन्वय स्थापित किया जाए इस पर चर्चा होगी। मानसून में नक्सल ऑपरेशन पर भी चर्चा होगी। तमाम इसमें बड़े अधिकारी मौजूद है। यूनिफाइड कमांड की बैठक शुरू हो चुकी है। बजट समेत अन्य सुविधाओं और संसाधनों और चुनौतियों पर इसमें चर्चा हो रही है। बता दें कि यूनिफाइड कमांड की बैठक शुरू हो चुकी है। रायपुर में बैठक बड़े स्तर पर हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चित्रा पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है। चित्रा, ये बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम अधिकारी मौजूद है, क्या क्या इस बैठक पर चर्चा हो सकती है? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यूनिफाइड कमांड की बैठक ले रहे हैं। उसमें जो है मुख्य सचिव अमित जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित है। यह बैठक रायपुर के सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में हो रहा है और तमाम अधिकारी मौजूद है। बैठक में पैरामिलिट्री फॉर्मेशन और स्टेट पुलिस के बीच में समन्वय को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में नक्सल इलाकों में सड़क, पुल, पानी, विकास कार्य और बिजली तमाम जो है इसको लेकर चर्चा हो रही है। और वो जो अंदरूनी इलाके हैं, नक्सल इलाके हैं, उस पर जो है इलाकों में संचार के साधन, स्कूल, अस्पताल, बिजली और जरूरत को लेकर जो है बातचीत हो रही है। इसके अलावा इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था, केंद्रीय बलों, इसके और जो है स्टेट पुलिस को भी देखती रहती है चुनाव के समय, जिसका लिहाजा इन इलाकों में मतदान दलों की सुरक्षा, चुनाव के पहले नक्सल घटनाओं की आशंकाओं को देखते हुए दिशा निर्देश दिया जाएगा। और इसके पुलिस ऑपरेशन मानसून को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई होगी। बस्तर में इस वक्त छत्तीसगढ़ पुलिस ऑपरेशन मानसून चला रही है। बारिश में फोर्स का मूवमेंट बंद होने के वजह से नक्सलियों के पास जो है तैयारी का मौका होता था, लेकिन ऑपरेशन मानसून के तहत जो है पुलिस जवान बारिश में भी सर्चिंग में निकलते हैं और डीआरजी, एसटीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स की टीम जो होते हैं ज्वाइन ऑपरेशन अंदरूनी इलाकों में चलाई जाएगी, उसको लेकर जो है चर्चा हो रही है। और ऐसे में यूनिफाइड कमांड की बैठक में ऑपरेशन मानसून को लेकर बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की जाएगी, इस पर जो है विस्तार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा कर रहे हैं। जी, क्या लगता है चित्रा, ये बैठक कब तक चलने वाली है, क्योंकि इस बैठक में केंद्रीय एजेंसी और छत्तीसगढ़ पुलिस में कैसे समन्वय स्थापित किया जाए इस पर भी चर्चा हो रही है? जी, बता दें कि नक्सल क्षेत्र जो बस्तर नक्सल क्षेत्र है और उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुलिस के बीच में जो है समन्वय बनाने के लिए जो है इस पर विस्तार से चर्चा की गई है और जो अंदरूनी फोर्स होते हैं उनसे भी तालमेल बनाने के लिए जो है चर्चा की जा रही है। तमाम विकास को लेकर भी चर्चा हो रही है। विधानसभा चुनाव होने वाले, जैसे कि हमने बताया कि विधानसभा चुनाव अभी 2023-24 को होना है, तो नक्सल जो है चुनाव को जो है प्रभावित करते हैं, तो उसको लेकर जो है सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा हो रही है। जी, अब बैठक जो है
तो कुछ ही देर में खत्म होने की है, 12:30 बजे खत्म होने, 1:30 बजे खत्म होने को है, 12 बजे बैठक शुरू हुई थी और आज शाम को जो है मुख्यमंत्री इस बैठक के बाद अपने टीम हाउस जाएंगे, उसके बाद 7:30 बजे हुए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में जो है केंद्रीय कमेटी के बीच में कांग्रेस के केंद्रीय कमेटी के बीच में जो है ये बैठक होगी और आगामी चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। जी जी चित्रा बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान जारी है। आज मैक कॉलेज ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विजय शर्मा जी, संजय श्रीवास्तव, चंद्रशेखर साहू, किशोर महानंद, नीलेश ठोकने, मंडल अध्यक्ष अनूप खेलकर, हरीश ठाकुर जी वो वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। तो मेक कॉलेज में ये ऑडिटोरियम में पूरा अभियान चलाया जा रहा है, मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। लगातार हमारे साथ चित्रा पटेल बनी हुई है। चित्रा, बीजेपी का ये महाअभियान शुरू हो चुका है चुनाव से पहले, कितने अहम मायने इनके है? जी, भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को लेकर जो है चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय नेता पहुंचे हुए थे और उन्होंने चुनाव की जो है आगाज कर दी है और उन्हें हुंकार डाल दी है, कार्यकर्ताओं में जो है उन्होंने रिचार्ज कर दी है और उसके बाद जो है आज मोदी सरकार के जो है 9 साल पूरे होने को लेकर जो है मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत आज सीधे पीएम से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं से सीधे पीएम कार्य चर्चा कर रहे हैं कि आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी करना है, किस तरह से जो है छत्तीसगढ़ में अपना झंडा गाड़ना है, इसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा रहा है। जी, कब तक चलने वाला है ये अभियान? जी, ये अभियान जो है चुनाव तक चलेगी और जिसको इस अभियान के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंचेगी, घर घर तक पहुंचेगी, जनता के हर घर तक, बूथ में बूथ स्तर पर भी, जिला स्तर पर और हर घर में अभियान चला रहे हैं, हर जनता के पास रूबरू हो रहे हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं को जो है वो जनता तक पहुँचा रहे हैं, जनता तक जो है चर्चा कर पहुँचाने की बात करें कि किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ मिल रहा है। जी, बूथ स्तर पर अब बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव को साधने की कोशिश इस बूथ अभियान से शुरू कर चुकी है बीजेपी, और इससे पहले भी देखा था किस तरीके से गृह मंत्री का दौरा है, यानी कि बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। चित्रा जी, लगातार केंद्रीय नेता जो है भाजपा के वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए थे, उसके बाद 30 तारीख को जो है जेपी नड्डा आएंगे, उसके बाद 1 तारीख को राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और जनता को जो है रूबरू होंगे और जनता कार्यक्रम करेंगे कि किस तरह से आगामी चुनाव को लेकर जो है कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है, इसको लेकर बूथ स्तर पर से लेकर कार्य और मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि बूथ स्तर जो ही है जो कार्यकर्ता जो है वो सरकार बनाने में जो है उनका बड़ा भूमिका होती है। जी, बने रहिए हमारे साथ चित्रा, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक कल होने वाली है दिल्ली में, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे इस बैठक को, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई मंत्री और वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस पे चर्चा होगी। तो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी जुड़ती हुई नजर आ रही है, मल्लिकार्जुन ये बैठक लेने वाले, इसमें कुमारी शैलजा भी शामिल होगी, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई मंत्री और वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। लगातार हमारे साथ चित्रा बनी हुई है। चित्रा, ये बैठक होने जा रही है और ये बैठक काफी अहम हो जाती है, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि भी कांग्रेस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले। जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी नहीं, अन्य पार्टी भी आगामी चुनाव के लिए अपना कमर कस ली है, अपना तैयारी शुरू कर दी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी भी अपने कमर कस ली है, कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है, बूथ स्तर पे बूथ चलो अभियान जो 26 तारीख से यानी कि कल से वो शुरू कर दी है बस्तर में, और मुख्यमंत्री आज शाम को दिल्ली जाएंगे, वहां पे
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बड़ी बैठक होने वाली है दिल्ली में। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक को लेंगे और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित मंत्री व वरिष्ठ नेता भी छत्तीसगढ़ के शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है चर्चा होगी और रणनीति तैयार की जाएगी। सत्ता और संगठन पर किस तरह से तालमेल होगा इस पर भी चर्चा की जाएगी। जी जी बिल्कुल, अब पूरी तरीके से कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो भी एक्टिव हो और एक्टिव होते हुए नजर भी आ रही है छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा तमाम जानकारियों के लिए आपका। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार बस्तर संभाग के चित्रकोट विधानसभा के लोकापाल के विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होकर बूथ चलो अभियान का किया गया आगाज। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह आगाज किया है। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ का संभाग स्तरीय महाअधिवेशन का आयोजन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आबकारी मंत्री कवासी लखमा रहे। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारियों ने अपनी वेतन विसगंती को लेकर शासन प्रशासन के समक्ष कई बार अपनी जायज मांगों को रख चुका है। इसी तारतम्य ने संगठन को एकजुट कर जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी मांगों को एक बार पुनः ध्यान आकर्षित हेतु सम्मेलन किया गया। वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से हो रही है लगातार बारिश। बालोद में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बारिश के कारण छोटे नदी नालों के जल बहाव में तेजी देखने को मिल रही है। तो बालोद में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। छोटे नदी नालों में बहाव देखने को मिल रहा है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब लगातार बारिश देखने को मिल रहा है और ऐसे में छोटे नदी नालों में जल का बहाव जो है वो उसमें तेजी आई है। और ये तस्वीरें बालोद से निकल के सामने आ रही है, जहाँ पे लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है इस बारिश के कारण। जहाँ गर्मी से एक तरफ निजात मिली है तो दूसरी तरफ बारिश ने लोगों की काफ़ी परेशानी जो है वो खड़ी कर दी है लोगों के सामने। और ऐसे में छोटे नदी नालों में जल बहाव में तेजी देखने को मिली है। और कोरबा SECL की कुसमुंडा स्थित विभागीय कॉलोनी में रहने वाले SECL कर्मी का परिवार बाल बाल बच गया। खदान में होने वाली ब्लास्टिंग के कारण छत का प्लास्टर भर भराकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि हादसे की भनक उन्हें पल से पहले ही लग गई। यही वजह है कि किसी भी तरीके की जानहानि का नुकसान नहीं हुआ। कुसमुंडा थाना क्षेत्र में एक ठेका कर्मी के साथ लूटपाट की घटना सामने आई है। नकाबपोश तीन युवकों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के सुपरवाइज की बाइक, मोबाइल, नकदी रकम लूटने के साथ ही चाकू से घायल कर दिया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस अपराध कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने डिमरापाल अस्पताल परिसर में 23,75,00,000 की लागत से निर्माण की जाने वाली 50 बिस्तर क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही 35,00,000 की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बस्तर और 30,00,000 की लागत से खाद्य और औषधि प्रशासन का संभागीय कार्यालय का निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर बस्तर सांसद श्री दीपक बैज, चित्रकोट विधायक श्री राजमन बेंजाम, नगर निगम सभापति श्रीमती कविता साहू, गणमान्य जनप्रतिनिधिगण और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। टीएस सिंहदेव ने केंद्र के द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाइयों की उपलब्धता और ओपीडी का भी जायजा लिया। शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर 50 नव प्रविष्टित छात्रों को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण की गई, जिसमें कुल 5,180 छात्राओं को सत्र 2023-24 में वितरण किया जाएगा। शाला प्रारंभ के साथ ही
1,20,586 छात्रों को निःशुल्क गणवेश और 1,75,094 छात्रों को पाठ्य पुस्तक वितरण किया गया। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में प्रयोगशाला, पुस्तकालय और सौंदर्यकरण का कार्य भी कराया गया है। पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजन किया गया, जहां पे छात्रों को साइकिल वितरित की गई और यहां पे भारी संख्या में छात्र पहुंचे थे जिनको साइकिल दिया गया। इसी के साथ पीजी ग्राउंड कॉलेज में इसका आयोजन किया गया था, भव्य स्तर से इसका आयोजन किया गया है और शाला प्रवेश उत्सव के तहत जो है तमाम छात्रों को साइकिल दिया गया। इसी के साथ उनको बैग, कुछ छात्रों को बैग भी दिया गया और सौंदर्यकरण का काम भी यहाँ पे किया गया। बता दें शाला प्रवेश उत्सव 2023-24 का आयोजन हुआ था जिसमें छात्रों को साइकिल दी गई। सोनाश्री महिला स्वर्गीय सहायता समूह रामकृष्ण परमहंस वोट संख्या 20 में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में आधार अपडेट और राशनधारी पहुंचे। 6 जून से आधार अपडेट करना शुरू और 31 जुलाई तक लास्ट डेट है। राशन कार्ड धारियों का अपडेट किया जा रहा है और हर महीना राशन कार्ड धारी राशन भी लेने पहुंच रहे हैं। राशन धारी कविता गोयल और महिपाल सिंह राजपूत लक्ष्मी वाडेकर ने बताया कि जब भी वो राशन लेते हैं तब भी सरोवर का प्रॉब्लम आता है, जिसके चलते कई बार लाइन लगाए राहत कई घंटे घंटों तक लाइन लगाए रहते हैं और कई दिनों तक चक्कर काटते रहते हैं। राशन लेने के लिए इन्होंने सजेशन भी दिया है, आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए अलग से लाइन लगाने की जरूरत है, इसकी व्यवस्था अलग से करनी चाहिए। स्वर्गीय सहायता समूह के प्रभारी खुशबू गोते तराने ने बताया है कि मशीन की व्यवस्था दो होनी चाहिए, एक मदार अपडेट होनी चाहिए, दूसरे में राशन देने वाला मशीन होना चाहिए और आए दिन सर्वर का प्रॉब्लम होता है जिससे जनता को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। और भानु प्रतापपुर के तहसील कार्यालय के सामने रविवार रात 10 बजे करीब दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें सड़क पर पैदल चल रहे एक युवक को स्कूटी सवार ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार सहित पैदल चलने वाला व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी तेज वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया और आगे की कार्रवाई में जुट गए। बालोद में सोमवार को स्कूल शिक्षण का सत्र का आगाज हो गया है। इस मौके पर बालोद जिले में सभी विद्यालयों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। वहीं इस प्रवेश उत्सव के बीच बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के ग्राम देवकोट में बच्चों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। कोई भी बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे हैं और पालक भी स्कूल में तालाबंदी कर चुके हैं। दरअसल इस विद्यालय के बच्चे और पेरेंट्स विद्यालय के एक शिक्षक मोहन सिन्हा के स्थानांतरण का विरोध कर रहे हैं। तो बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे, देवगोट में बच्चों ने बहिष्कार किया है और बता दें कि वहां के ग्रामीण भारी संख्या में पहुंचे हैं। स्कूल शिक्षण सत्र का आगाज हुआ है, सत्र का आगाज हुआ है, लेकिन ऐसे में बच्चों ने बहिष्कार कर दिया स्कूल की पढ़ाई को। उनका आरोप है कि एक टीचर को ट्रांसफर यहाँ से कर दिया गया है, इसलिए वो बहिष्कार करें हैं पढ़ाई का। और ऐसे में ये तस्वीर निकल के सामने आई जब बारिश में बच्चे बाहर खड़े हैं और बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं।